हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं, कल से स्पर्श ने पीपीओ जनरेट करना शुरू कर दिया है। आप सभी के भी पीपीओ धीरे धीरे जो हैं जनरेट हो जाएंगे, आपकी स्पर्श की साइट पर दिखने लगेंगे। आप भी अपना स्पर्श की वेबसाइट ओपन करके चेक कर सकते हैं रेगुलरली, क्योंकि कल कुछ पेंशनर्स के पीपीओ जो हैं अपडेट हुए हैं। और आप सभी को पता है, सैटरडे और संडे की जो छुट्टी थी वो भी स्पर्श और पीसीडी की रद्द कर दी गई थी। इसीलिए आपको नेक्स्ट 3 से 4 दिन में मैक्सिमम जितने भी पेंशनर्स हैं उन सब के पीपीओ अपडेट होते हुए दिखाई देंगे। तो सबसे बड़ी बात कि आपको ओआरओपी 3 की पेंशन 30 सितंबर को बढ़े हुए रेट से मिलेगी, और आपको 2 महीने का डीएडीआर जो एरियर है वो भी डीएडीआर के साथ मिल जाएगा। महत्वपूर्ण क्या बात है यहाँ पर, कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको 2 महीने का एरियर मिलेगा, कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको 3 महीने का एरियर मिलेगा। तो आखिर वह कौन से पेंशनर हैं जिनको 2 महीने का मिलेगा और कौन से पेंशनर्स हैं जिनको 3 महीने का मिलेगा, चाहे आप पेंशनर हैं चाहे फैमिली पेंशनर हैं, मैं आपको टेबल भी दिखाऊंगा कि आपका एरियर कितना बनता है। अगर 2 महीने का बनेगा तो कितना बनेगा और किसको मिलेगा, 3 महीने का बनेगा तो कितना मिलेगा और किसको मिलेगा, सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले देखिए, 3 महीने का एरियर किसे मिलेगा और 2 महीने का एरियर किसे मिलेगा, पहला सवाल तो यही होता है। देखिए, जैसा स्पर्श ने कोरिजेंडम पीपीओ अपलोड करना शुरू कर दिया है, तो देखिए जो भी पीपीओ अपलोड हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली देखिए नेक्स्ट सैटरडे संडे तक जो है आपके सभी पीपीओ अपलोड हो जाएंगे, तो उन सभी को 2 महीने का एरियर और बढ़ी हुई जो पेंशन है वो 30 तारीख को उनके खाते में आ जाएगी। यानी ओआरओपी 3 की पेंशन स्पर्श से अगर हम कहें मोस्ट ऑफ दी केसेस में 30 तारीख को उनके खाते में आ जाएगी। लेकिन जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं, डीपीडीओ से पेंशन ले रहे हैं, ट्रेजरी से पेंशन ले रहे हैं, उनको सर्कुलर 677 के आधार पर थोड़ा समय और लग सकता है। हो सकता है कि उनको अक्टूबर में बढ़ी हुई पेंशन मिले और 3 महीने का डीएडीआर का एरियर अक्टूबर में मिले, हो सकता है कि वो उनकी पेंशन से पहले मिल जाए। अब चलते हैं कि देखिए आपका एरियर कितना बनता है। देखिए पूरी टेबल है, मैंने बना रखी है, ये ओआरओपी 3 एरियर सीट ग्रुप वाई पेंशनर के लिए है, जो पहले वाला कॉलम है ये, और जो दूसरे वाला कॉलम है ये आपका फैमिली पेंशनर के लिए है। पहले जो एरियर वाला कॉलम है इसमें X2 लिखा है, मतलब 2 महीने का एरियर। जो भी स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं या जिनको इस महीने पेंशन बढ़े रेट से मिल जाएगी, उनका एरियर X2 वाली लाइन में देखना है। जिसको बैंक DPDO ट्रेजरी का इस महीने एरियर नहीं मिलेगा, अक्टूबर से बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, तो उनको 3 महीने का एरियर मिलेगा, वो आप यहाँ पर इस कॉलम से चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, मैंने अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको पहले भी बताया है कि आपको कितना एरियर बनेगा, अगर 2 महीने का बनता है तो कितना और अगर 3 महीने का बनता है तो कितना। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।